माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई प्रोफेसर नीतू घई, योर इंग्लिश एक्सपर्ट, वेलकम यू ऑल इन योर ओन इंग्लिश क्लास. नाउ हाउ आर यू ऑल? आई होप पढ़ाई कर रहे हैं, और यस आप कर रहे हैं, बिकॉज योर आंसर्स आर गिविंग द रिफ्लेक्शन दैट यू आर स्टडिंग हार्ड. नाउ बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं, बहुत जल्द आप हमारे पास आने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर यू ऑल सो दैट आई कैन गिव यू मोर इन माई क्लासेस. ओके, तो एज वी हैव डन रूल्स ऑफ नाउन, टुडे आई विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ नाउन, और नाउन के ऊपर जितने क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस के लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. नाउन के बाद आई विल स्टार्ट सम अदर टॉपिक, सो दैट आपका फाउंडेशन कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउन रूल्स एंड एरर्स. लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट, इन द कैटेगरी ऑफ रूल्स फॉर स्पॉटिंग द एरर्स ऑफ नाउन, द नेक्स्ट रूल इज, सी बच्चा ये सारे रूल्स अपने रजिस्टर में लिखना है, सो दैट आपको समझ में आए कि हम कर कह रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वर्ड डिस्प्लेड, कैटल, जेंट्री, पीपल. नाउ ये होते क्या हैं? पीपल मतलब लोग, कैटल मतलब भेड़ बकरी, जेंट्री मतलब, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ जेंट्री. जेंट्री मीन्स ग्रुप ऑफ हाई प्रोफाइल पीपल, ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज, ग्रुप ऑफ वेल सेटल्ड पीपल. दैट मीन्स हाई प्रोफाइल पीपल के ग्रुप को हम जेंट्री कहते हैं. नाउ इन वर्ड्स से रिलेटेड जो रूल ये है कि नो मैटर ये वर्ड्स आपको सिंगुलर दिख रहे हैं. कैसे सिंगुलर दिख रहे हैं बेटा? हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन एंड नंबर किया है. नाउ नाउन एंड नंबर में अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ बॉय, तो इसका प्लूरल होता है बॉयज. क्लियर? ओके, लेकिन क्या यहाँ पर किसी भी वर्ड में आपको एस दिख रहा है? नो. बट बिना एस के भी ये सारे वर्ड्स प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ये सारे वर्ड्स भी प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. जैसे अगर मैं आपको इजी सा वर्ड दूं, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे. नाउ क्या किसी भी वर्ड में एस दिख रहा है? नो. तो जब भी हम ऐसे कोई वर्ड्स देखते हैं जो दिखने में तो प्लूरल नहीं है बट वो मीनिंग में प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए हमें उसको प्लूरल नाउन की तरह कंसिडर करना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग वर्ब सप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? याद रहेगा ये. नाउ सम नाउन्स दे लुक सिंगुलर. व्हाई दे लुक सिंगुलर? बिकॉज उसमें एस या ईएस नहीं है. ओके, इसलिए इनको हम सिंगुलर देखते हैं कि दिखने में सिंगुलर है बट असलियत में सिंगुलर नहीं होते. नाउ चिल्ड्रन पता है, जेंट्री हो गया, पीपल हो गया. नाउ लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ कैटल. कैटल मतलब भेड़ बकरियों का ग्रुप. नाउ दिस इज कैटल. नाउ एक नहीं है, बहुत सारे हैं. भेड़ बकरियों के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप को कैटल बोलते हैं. नाउ कैटल में एस नहीं लगा है पर वो बहुत सारे जानवरों के लिए एक वर्ड यूज है और वो है कैटल. जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक वर्ड यूज है वो है पीपल, बहुत सारे बच्चों के लिए एक वर्ड यूज है वो है चिल्ड्रन. क्लियर? बहुत सारे हाई प्रोफाइल पीपल के लिए जो वर्ड यूज है वो है जेंट्री. इज इट क्लियर? तो ये सारे नाउन्स दिखने में भले ही सिंगुलर हो लेकिन इनको हम प्लूरल की तरह काउंट करते हैं. अब इसके आगे some more nouns are there which look like singular. For example, peasantry and police. Now, peasantry क्या होता है बेटा? Peasantry जो labor group होता है, जो खेतों में labor काम करते हैं उनको, खेतों में labor जो काम करते हैं उनको हम peasantry या peasant बोलते हैं. Now, see the picture so that it can be clear to you. Now, this is peasantry. Clear? खेतों में जो काम करते हैं मजदूर उनको हम बोलते हैं peasantry. क्लियर? अब नेक्स्ट पुलिस. पुलिस यू ऑल नो, पुलिस को तो सब पहचानते हैं. नाउ पुलिस, नाउ पुलिस एक नहीं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप को पुलिस बोलते हैं. एक होता तो पुलिस मैन, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर, लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप को पुलिस बोलते हैं. तो पुलिस भले ही दिखने में सिंगुलर है पर इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो प्लूरल नाउन की तरह होगा. तो पुलिस समझ में आ गया, पीजेंट्री समझ में आ गया. ओके, अगेन ये सारे नाउन्स हमेशा और हमेशा प्लूरल कैटेगरी में आएंगे और हम उसी अकॉर्डिंग इसको वर्ब्स अप्लाई करेंगे. याद रहेगा? ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन. सी द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है बेटा, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड.
अब कैटल हमने अभी अभी डिस्कस किया, कैटल अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये इस गलत है, क्या होना चाहिए आर, ये आर राइट है। समझ में आया कैसे होगा? ओके, गॉट द सेंटेंस क्लियर? नाउ अगेन पुलिस के ऊपर, द पुलिस हैज द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, पुलिस ने पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि पुलिस एक प्लूरल नाउन है, हम हैज नहीं लगा सकते क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ लगता है, पुलिस प्लूरल है तो यहाँ है हैव एंड दिस इज करेक्ट। इसकी जगह होता पुलिस ऑफिसर, पुलिस मैन, पुलिस इंस्पेक्टर तो वो सिंगुलर है, बट यहाँ पे पुलिस मीन्स प्लूरल। क्लियर डन? ओके ओके, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? सीजर्स, कैंची। क्लियर? जब भी हम सीजर्स की बात करते हैं, सी सीजर्स भले ही देखने में आपको एक दिखाई दे रही है, लेकिन ये कटिंग तब करेगी जब इसकी दोनों ब्लेड्स वर्क करेंगी, तो सीजर्स मींस टू ब्लेड्स टुगेदर, टू ब्लेड्स जॉइंड, तो सीजर्स हमेशा और हमेशा टू के उसमें टू काउंट में आती है, ठीक है, इसीलिए इनको भी हम प्लूरल नाउन मानते हैं। क्लियर? नो मैटर सीजर एक है, कैंची एक है, पर ब्लेड्स कितनी हैं? दो, तो इसलिए इसको हम प्लूरल मानेंगे। क्लियर? सम मोर एग्जांपल, नाउ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मींस चश्मा, स्पेक्टिकल्स मींस ग्लेयर्स, तो चश्मा दो ग्लासेस से मिलके बना है, दो फ्रेम से मिलके बना है, क्लियर, दो लेंस से मिलके बना है, तो चश्मा नो मैटर एक हो लेकिन फिर भी हम उसको प्लूरल मानेंगे, बिकॉज एक फ्रेम के साथ आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी प्लूरल। इसके साथ शूज, सॉक्स, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, ये हमेशा पेयर में काउंट होता है, इसलिए हम इनको प्लूरल मानते हैं। ओके डन? दिखने में भले ही एक है लेकिन हम इसको काउंट प्लूरल में करेंगे, क्योंकि दो पार्ट जॉइन होकर एक चीज बनी है, ब्लेड्स दो हैं, शूज में जूते दो हैं, सॉक्स में मोजे दो हैं, स्पेक्टिकल्स में फ्रेम दो हैं, तो ये प्लूरल नाउन में काउंट होगा। ओके, सी दिस ट्राउजर्स, व्हाट आर दीज ट्राउजर्स, तो जब भी हम ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं, ट्राउजर्स मतलब पैंट, ट्राउजर्स मतलब पैंट्स, ट्राउजर्स के लिए एक और वर्ड पैंट्स। क्लियर? शूज, तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग दीज नाउन्स, नो मैटर ट्राउजर एक है लेकिन स्टिल वी विल राइट इट एज ट्राउजर्स, नो मैटर पैंट एक है स्टिल वी विल राइट इट एज पैंट्स एंड दे विल बी काउंटेड एज प्लूरल नाउन। ओके, शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, ये हमेशा और हमेशा पेयर में यूज होता है, इसलिए इनको प्लूरल नाउन बोलते हैं। ओके डन? सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस, वेयर इज माय ट्राउजर्स, नाउ इस किसके लिए लगा है? ट्राउजर्स के लिए, ट्राउजर्स प्लूरल है, इसके लिए इस यूज नहीं होगा, इसके लिए यूज होगा आर एंड आर विल बी द करेक्ट बिकॉज ट्राउजर्स आर प्लूरल नाउन। ओके डन? सी इनकरेक्ट भी और करेक्ट भी, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। ओके नाउ नेक्स्ट, ओके अगेन, स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। ओके नाउ यहाँ पर स्पेक्टिकल्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ ये इज रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए आर एंड दिस इज करेक्ट। समझ में आया गलती कहाँ होगी और कैसे होगी? ओके, got the thing? Okay, I am here with one sentence from the exam. Now check out the error in this. आपको आता है ये अच्छे से? The cattle is grazing in the field. तो is नहीं होना चाहिए, cattle है तो it should be are. Okay, sentence समझ में आ रहे हैं? See, I am giving you the basic sentence as an example. Now for the practice directly from the exam. Okay, now the next. Okay, अब sentence थोड़ा सा ट्विस्ट करके, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब इसमें एरर क्या है? यहाँ आर करेक्ट है, हमने आर लगाया है, ये करेक्ट है। नाउ यू विल टेल मी द एरर पार्ट इन दिस। क्लियर?
आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मैसेज करके बताएंगे एज अ कॉमेंट इन ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली. इसका आंसर अगर आपको आ गया और आप मुझे बताएंगे कि व्हाई दैट वर्ड इज द एरोनियस पार्ट. एरर वर्ड तो बताना ही बताना है और ये भी बताना है क्यों, सो दैट आई कैन नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली एंड डीपली. डन. ओके ओके. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक पॉलिटिशियंस. इस सेंटेंस में एरर क्या है? सी जेंट्री, जेंट्री प्लूरल. क्योंकि जेंट्री प्लूरल है यहाँ डज नहीं आएगा बिकॉज डज सिंगुलर नाउन के साथ लगता है. क्लियर. जब भी हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब आता है डज. प्लूरल नाउन के साथ आता है डू, तो यहाँ डज नहीं आएगा, यहाँ आएगा डू. क्लियर. समझ में आ रहा है? व्हाई डू? बिकॉज जेंट्री इज अ प्लूरल नाउन. अब अगर ये पता ही नहीं होता कि जेंट्री का मीनिंग क्या है और जेंट्री सिंगुलर है या प्लूरल है तो ये सेंटेंस समझ ही नहीं आता. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आर गेटिंग द सेंटेंस एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व इट. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट. सी आई हैव रिटन थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इन द नेगेटिव फॉर्म फॉर यू ऑल सो दैट आपको पता चले कि कौन सा कहाँ लगता है. सी डू और डज नॉट प्रेजेंट टेंस में लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और डिड नॉट लगता है पास्ट टेंस में. डिड नॉट लगता है पास्ट टेंस में. नाउ अगेन, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगेगा डस. क्लियर. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगेगा डू. यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर रजिस्टर सो दैट यू विल बी क्लियर पिक्चर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स. ओके. नाउ डिड नॉट लगता है पास्ट टेंस में, नो मैटर सिंगुलर नो मैटर प्लूरल. पास्ट टेंस में कोई इश्यू है ही नहीं. सबसे ज्यादा डिटेलिंग है प्रेजेंट टेंस में. अगेन सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू. अब समझ में आया इससे पहले वाले क्वेश्चन में डस क्यों गलत था? क्योंकि जेंट्री प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ डू लगता है. ओके. जस्ट नोट इट डाउन फॉर योर इन्फॉर्मेशन. नाउ इसका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, हमने अभी भी डिस्कस किया है. द पुलिस हैज क्वेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग देयर. इट शुड बी देयर इफ इट इज देयर. एंड क्वेस्टेड मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोगेशन. नाउ अब यहाँ पर पुलिस प्लूरल नाउन है, यहाँ हैज गलत है, यहाँ होना चाहिए हैव. यह आता है आपको. ओके ओके. नाउ वेरी गुड क्वेश्चन. अरेबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. नाउ इस सेंटेंस में एरर. नाउ दिस इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पेपर. अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है. कितनी बुक का नाम है? एक. तो हम यहाँ नाइट्स के एस पे नहीं जाएंगे, ये प्लूरल नहीं है, ये एक बुक का नाम है. क्योंकि ये सिंगुलर है सो दिस आर इज रॉन्ग, इट शुड बी इज. क्लियर. तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएंगे, और अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं दैट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीए इंग्लिश. ओके. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वन. ओके. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. आई होप टू विजिट माई अंकल ड्यूरिंग समर वेकेशंस. नाउ मैं अपने अंकल के घर छुट्टी मनाने जाने वाला हूँ. छुट्टियाँ मनाने जाने वाला हूँ नहीं. तो वेकेशंस इज नेवर यूज्ड इन प्लूरल. ये गलत है, इसमें एस नहीं चाहिए. इट शुड बी वेकेशन. वेकेशन में कभी भी एस नहीं लगता. क्लियर. या हमने जब आपको टी, कॉफी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, मिसचीफ ये वाले नाउन कराए थे बच्चा, वेकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो वेकेशन में कभी भी एस नहीं लगता. तो दिस इज द एरर. ओके. सी अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एनडीए एग्जाम डायरेक्टली. द मोरल ऑफ द आर्मी. मोरल मीन्स विल पावर. ओके. मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द LOC. LOC इज लाइन ऑफ कंट्रोल. क्लियर. आर वेरी एनकरेजिंग. एंड द लास्ट ऑप्शन इज नो एरर. अब आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, और इस क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है. एंड आई नो यू नो द आंसर. यू विल एनालाइज द सेंटेंस एंड यू विल गिव द आंसर
on my video so that I can know that you have understood it. So this is the homework for today. और अगर ये question समझ में आ गया, that means rules of noun समझ में आ गया है. And today is the concluding part of the noun topic. And this is the last question which I will be giving to you. तो इसका answer आप बताएंगे. If you are able to do the question, well and good. And if you are not able to do, I'll give you the correct answer tomorrow. But still try your best to give the answer because I know you can. Okay, so all this for today. Have a nice day. Thank you.